हाय दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिटिक्स एनिमे पर। तो आज हम करने वाले हैं बुरुटो एपिसोड नंबर 14 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलो बिना वक्त गवाए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपको AMV चाहिए तो मैं उसके लिए अलग चैनल बना रखा है और जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलो बिना वक्त गवाए करते हैं आज का जो एपिसोड स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काकाशी सेंसेई कहते रहते हैं कि जो भी हम समन करते हैं वो इसी डायमेंशन के होते हैं, और बाद में हम सब उन्हें देखते हैं कि वो इतने बड़े होते हैं पर वो इसी डायमेंशन में होते हैं। पर ये जो जीव यहाँ पर आया था वो किसी अलग ही डायमेंशन का था और उसी डायमेंशन में चला गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो लोग होते हैं, मतलब जो सेंसे लोग, वो थक जाते हैं। और बाद में काकाशी सेंसेई कहते हैं कि ये कुछ अलग ही था, हम इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और फिर नारुतो कहता है हाँ ये कुछ अलग ही था, मुझे कुछ दिख रहा है। और उसके बाद नारुतो कहता है कि बाप रे, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसकी जांच पड़ताल करनी होगी, नहीं तो ये और भी बढ़ता जाएगा। और फिर काकाशी सेंसेई कहते हैं हाँ देखना पड़ेगा। A few moments later, उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत देर के बाद बुरुटो जो दूसरे डायमेंशन में जाता रहता है वो आखिर उस डायमेंशन में पहुँच ही जाता है। और उसके बाद यहाँ पर बुरुटो के दोस्त यहाँ पर बुरुटो को ढूंढते रहते हैं और पता नहीं वो कहाँ पे चला जाता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि नाकाबंदी होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बुरुटो यहाँ पे अलग डायमेंशन में आके फंस जाता है और वो वास निकल कर कहता है मैं यहाँ पे कहाँ पे आ गया, ढूंढना पड़ेगा मिस्की और सुमेरे क्लास रैप को। और वो आगे बढ़ता है और आगे कोई नहीं होता। वो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ पर आ गया हूँ। उसके बाद बुरुटो अपने दूसरी वाले आँख से देखता है और सोचता है कि यहाँ पर उन लोगों पर जो शक्ति मंडरा रही थी, जो सेंसे पर और उस लड़के पर जो शक्ति मंडरा रही थी, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, शायद यहीं से वो निकलती होगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो शक्ति का कुछ प्रमाण यहाँ से भी निकल रहा था। और फिर बुरुटो कहता है कि यहाँ पर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उसके बाद हम देखते हैं कि पीछे से अचानक से आवाज़ आती है और वहाँ से वही मॉन्स्टर निकल के आता है जो लीफ विलेज पर आया था। पर वो बहुत छोटा होता है, मतलब लीफ विलेज पर जितना बड़ा था वो उतना बड़ा यहाँ पर नहीं होता। और उसके बाद बुरुटो उसको देखकर हैरान होता है। फिर हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर इसके सामने आकर बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगता है और ये चिल्लाना देखकर बुरुटो डर जाता है और वो बहुत ताकतवर होता है। पर बुरुटो को अपनी आँख से उसके अंदर कुछ अजीब ही दिखता है, वो शायद उसका चक्रा ही होगा। उसके बाद बुरुटो सोचता है कि ये क्या, मैं ये क्या देख रहा हूँ, पर कैसे देख रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन, मतलब जो मॉन्स्टर होता है, वो बहुत गुस्से में होता है और बुरुटो के ऊपर हमले करने वाला होता है। तो बुरुटो को जो हमारा मित्सुकी होता है वो हवा में उठा लेता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर ज़मीन में जाकर लग जाता है। उसके बाद ये कहता है कि ये बहुत बड़ा मॉन्स्टर है बुरुटो, तुम्हें संभल कर रहना चाहिए, समझे। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मित्सुकी कहता है रुको मुझे इसे देखने दो। और बाद में हम देखते हैं कि ये जो ज़मीन में घुसा हुआ मॉन्स्टर होता है उसको ये दोनों ऊपर से बैठकर देख रहे होते हैं, पर अचानक से उसके पीछे आ जाता है और ये दोनों भागने लगते हैं। और बुरुटो कहता है क्या आफत है ये कहाँ से आ गया, ये तो इतना बड़ा नहीं है जितना हमने लीफ विलेज में देखा था। उसके बाद मित्सुकी कहता है अभी मैं इससे निपट लूँगा। और बुरुटो उसके पीछे जाता है और कहता है मैं भी कुछ ना कुछ करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि बुरुटो अपने शैडो क्लोन्स बनाता है और कहता है कि सारे जो बड़ी बड़ी रस्सियाँ हैं उनके ऊपर हमें पेपर बॉम्ब की कुनाई लगानी होगी, और वो सारे जगह पर पेपर बॉम्ब की कुनाई लगाते हैं और वो कुनाई बाद में फट जाती है, जिसके कारण ये बड़ी बड़ी जो रस्सियाँ होती है वो टूटकर नीचे गिरने लगती है और गिरती भी किस पर है, उस मॉन्स्टर पर, जिसके कारण वो जो मॉन्स्टर नीचे दब जाता है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि मित्सुकी कहता है वाह बुरुटो तुमने अच्छा काम किया। उसके बाद ये कहता है कि अब मुझे काम तमाम करना होगा। फिर वो लाइटनिंग अपने जो मूव है वो जुत्सु इस्तेमाल करने लगता है, पर तभी अंदर से पानी निकलता है और वो पानी उस लाइटनिंग को रोक देती है। और फिर मित्सुकी सोचता है ये किसने किया, इसको किसने बचाया। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारा धुआं होता है और ऊपर से पानी गिरने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों की नज़र पड़ती है क्लास रैप पर, और वो क्लास रैप के साइड साइड को अजीब सी शक्ति होती है और उसकी आँखें भी कुछ अलग ही होती है। और बुरुटो ये देखकर हैरान होता है ये कैसे हो गया। फिर ये उनसे
क्लास रेप से बातें करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जल्द से हमारे साथ चलो, तुम्हारे क्लासमेट क्या कहेंगे, मुझे पता है तुम अच्छे हो। और फिर ये कहती है, नहीं ये मेरा मिशन है, मैंने लीफलेट पर अटैक किया और वो मैंने खुद किया, समझे तुम। जब मेरे पापा विलेज में थे तो उन्हें लोगों ने बहुत कोसा, बहुत चिढ़ थी उनको, मतलब लोगों ने उनसे बहुत चिढ़ की, इसीलिए हमें दूसरी जगह पर जाकर रहना पड़ा। तुम्हें पता है हमें कितना बुरा लगा तब, इसीलिए मेरे पापा ने मुझ पर यह कर्ज मांग दिया क्योंकि वो लॉर्ड डांजो को मानते थे, और इसीलिए मुझको ये कर्ज मांग इसलिए दिया ताकि मैं इस लीफ विलेज को तबाह कर सकूँ, और यही कर्ज मांग लीफ विलेज को तबाह कर सकता था। उसके बाद जब मुझे कर्ज मांग मिला तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी मेरे जो मॉम है जो इसके कारण मर गए उसके लिए कुछ करना होगा, और अभी इसके लिए तुम जिम्मेदार भी हो सकते हो, चलो जाओ मुझे परेशान मत करो। तभी यहाँ पर मिथ्स की हवा में उड़ जाता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है, पर वो कैसे ऐसे करके हेड बैलेंस करके बच जाती है। मिथ्स की कहता है, वाह एक हाथ से सिखाओ, मुझे भी सिखाओ। फिर ये कहती है, मुझे परेशान मत करो, और फिर मिथ्स की उसके ऊपर साफ फेंकता है, पर वो ऊपर चली जाती है, और मिथ्स की और वो यहाँ पर लड़ाई करते रहते हैं, और यहाँ पर बहुत तेज़ी से लड़ाई करने के बाद मिथ्स की उसका हाथ पकड़ कर कहता है, अब तो हार मान लो, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। पर वो उसके ऊपर कुनाई से हमला करती है, और फिर वो अपने वाटर कुनाई उसके ऊपर फेंकती है, और फिर वो मतलब वो ऐसा मूव देती है जैसे कि कोई गन चला रही हो कोनाई से। उसके बाद मिस्की कहता है, अरे यार क्या कर रही हो, मैं मुझे लग जाएगी। फिर मिस्की कहता है, अब तुम गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्की अपने सांप उसके ऊपर फेंकता है, और ये भी अपनी अजीब सी पावर मिस्की के ऊपर फेंकती है, पर मिस्की उससे बच जाता है, और बाद में वो उसको डॉच कर लेता है। ये कहती है, अब हम आमने सामने हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। तो मिस्की कहता है, मैं तो अभी शुरू हो रहा हूँ, और मिस्की उसके ऊपर हमला करता है, पर बीच में बुरुटो आता है और उनको रोकने की कोशिश करता है पहले की तरह। इस बार उसकी जो चाल है वो कामयाब नहीं होती, वो बहुत दूर जाकर नीचे गिर जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्की उसकी तरफ देख कर कहता है, अरे बुरुटो। और फिर बुरुटो कहता है, बस बस हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा, तुम कब से लड़ रहे हो, मैंने कहा शांत बैठो पर तुम नहीं सुनते, तुम्हारे कारण मैं घायल हो गया देखो। और फिर वो कहता है कि क्या क्या बुरुटो तुम घायल हो गए, मुझे नहीं पता। और फिर बाद में ये जो क्लास रैप है वो कहती है, अरे माफ़ करना बुरुटो। और फिर बुरुटो कहता है, क्लास रैप तुम्हें ऐसा लगता होगा कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, पर तुम्हारी दोस्त जिनको तुमने बचाया था वो तुम पर बहुत भरोसा करती है, तुम्हें पता भी है। और उसके बाद क्लास रैप कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर बुरुटो कहता है, हाँ क्लास रैप कुछ ऐसा ही है, तुम अच्छी हो, तुम्हें पता नहीं तुम सिर्फ किसी के कहने पर बुरा नहीं बन सकती। फिर क्लास रैप कहती है, नहीं ये तो मेरा मिशन है, तुलसी भाड़ में जाए तुम्हारा मिशन, ऐसा मत करो क्लास रैप, मैं बुरुटो हूँ, तुम्हें पता है मैं कितना अच्छा हूँ, तुम भी मेरे जैसा अच्छा बन सकती हो, समझी क्लास रैप। और फिर अचानक से क्लास रैप कहती है, इस मॉन्स्टर को जाओ बुरुटो पर हमला करो, पर ये मॉन्स्टर नहीं करता क्योंकि मॉन्स्टर को भी समझ में आ जाती है बुरुटो की बात। और फिर बुरुटो कहता है, देखो क्लास रैप। और फिर क्लास रैप कहती है, नहीं मेरे पापा ने मेरे ऊपर वो सिंबल दिया है, पर वो सिंबल भी अचानक से टूट जाता है। और क्लास रैप कहती है, हाँ ये क्या हो गया। और फिर बाद में हम देखते हैं कि क्लास रैप कहती है, शायद मुझे अच्छा बनना चाहिए। और ये वो सिंबल टूटने के बाद ये जो नीचे ज़मीन रहती है वो भी खिसकने लगती है। और फिर क्लास रैप कहती है, शायद मुझे भी अच्छा बनना चाहिए। फिर बुरुटो कहता है, ठीक है तुम अच्छी बन चुकी हो, अभी ऐसे बुरे काम मत करना, चलो अब घर जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्की कहता है, जल्द से जाना चाहिए, ये ज़मीन खिसक रही है, शायद ये डायमेंशन टूटने वाली है। और तभी हम देखते हैं कि ऊपर वो पोर्टल होता है, और बाद में ये जो मॉन्स्टर होता है वो इन सब को ऊपर लेके जाता है। ये जो क्लास रैप होती है उसको ये मॉन्स्टर बहुत पसंद होता है क्योंकि ये उसका वफादार होता है, पर ये मॉन्स्टर उनके साथ नहीं आ सकता। फिर अचानक से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है, और फिर बुरुटो अपनी इस आँख से देखता है कि हमें जल्द से जल्द जाना होगा, और उस पोर्टल में घुसकर यहाँ पे निकलने वाले होते हैं। और तभी उसको उसके दोस्त देखते हैं, और वो कहता है, जल्दी चलो हमारे दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके बाद वो और फिर वो यहाँ पर पहुँच ही जाते हैं, शाम हो जाती है और उनका विलेज आ जाता है, और ये उसके दोस्त डेंकी और सिकाड़ा है उनको ढूंढते रहते हैं पर वो मिलते ही नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि इनोजिन भी वहाँ पे होता है, पर अचानक से वो यहाँ पर आ जाते हैं, और ये दोनों कहते हैं कि हे कैसे आ गए तुम। तो फिर बुरुटो डेंकी से कहता है, हम यहीं पे थे। और फिर सिकाड़ा कहता है कि ओ तुम यहीं पे थे, मुझे नहीं लगता। और फिर यहाँ पर जो इनोजिन है उसका पापा आता है और कहता है, ए इनोजिन क्या कर रही हो। फिर इनोजिन कहती है, कुछ नहीं पापा, मैं तो बुरुटो को ढूंढ रही थी।
मतलब ढूंढ रहा था। और उसके बाद वो जो इनोजिन के डैड होते हैं वो कहते हैं कि चलो अभी क्लास ट्रैप, तुम्हें कुछ रेस्ट की ज़रूरत है। तभी बुरुटो अपनी आँख से वो जो अजीब शक्ति होती है वो देखता है। वो अजीब शक्ति उस मॉन्स्टर की थी जो बाद में अच्छा बन गया था, और वो सुमेरे क्लास ट्रैप के हाथ पर एक सिंबल बनकर रह गया था। और बुरुटो कहता है वो तुम्हारे साथ ही है, वो तुम्हारे से दूर नहीं गया क्लास ट्रैप। और वो हंसता है, और फिर डेंकी पूछता है अब क्या बुरुटो? तो बुरुटो कहता है अब क्या, हम हमारे लीफ विलेज में आ गए हैं और सब कुछ ठीक हो गया है पहले की तरह, तो अब मस्त आराम करेंगे घर पर जाकर, इतना सब कुछ हो गया है, चलो अब। और फिर वो हमेशा की तरह अपनी ट्रेन पर चढ़कर घर पर जाने लगते हैं, और बुरुटो डेंकी को भी ऊपर ले लेता है, और फिर वो आराम से घर पर जाते हैं। और इसी तरह से हमारा आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। सब्सक्राइब कर दो।